किसी जंगल में एक घोड़ा और एक गधा रहते थे। एक दिन गधे ने घोड़े से कहा, वो देखो कौवा सफेद है। जब घोड़े ने कौवे को देखा तो कौवे का रंग काला था। इस पर घोड़े ने दोबारा गधे से कहा कि नहीं, कौवा काला है। इस तरह दोबारा गधे ने घोड़े से कहा कि नहीं, कौवा सफेद है। लेकिन घोड़े ने दोबारा वही कहा कि नहीं, कौवा काला है। इस तरह घोड़े और गधे में तकरार शुरू हुई और ये बात बहुत बढ़ गई और बहस में तब्दील हो गई। ये बात बढ़ते बढ़ते जंगल के बादशाह के पास पहुंची। जंगल के बादशाह के पास जब ये बात पहुंची तो बादशाह ने दोनों से वही सवाल किया, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर घोड़े ने बोला, सफेद है बादशाह सलामत, आप खुद देखें, कौवा सफेद नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, कौवा काला है। ये मामला सब जंगल के जानवर देख रहे थे। घोड़ा बार बार मुसलसल एक ही बात कह रहा था और घोड़ा खामोशी के साथ देख, और बादशाह बहुत देर ने फैसला सुनाया और घोड़े को सजा दी। घोड़ा बेचारा परेशान सहमा हुआ खड़ा था, ये मेरे हक में कैसे सजा सुना दी, जबकि जंगल के सारे जानवर हत्ता के बादशाह को भी पता है कि कौवा काला है। घोड़े ने बादशाह की तरफ देखा, आपने किस वजह से मुझे सजा सुनाई है, जबकि मैं झूठ भी नहीं बोल रहा कि कौवा सफेद नहीं है, काला है। बादशाह पहले खामोश रहा, फिर उसके बाद घोड़े की तरफ देखा और कहा कि घोड़े मियां, मुझे पता है कि कौवा काला है। मैंने इस वजह से सजा नहीं ली कि आपने सच बोला कि कौवा काला है, बल्कि मैं इस वजह से आपको सजा सुनाई कि तुम्हें पता है कि वो गधा है। तुमने इससे इस बात पर बहस कर रहे थे,